अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा, आज देखिए मैंने बहुत अच्छी बनाई है, बेसन की बर्फी है। ये बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। आप इसे ख़ुद खाइए, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए और ईद पर किसी के यहाँ तोहफे में ले जाइए। बहुत अच्छी रेसिपी है ये, देखें कितनी अच्छी है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को तोहफे में भी दीजिए। चलिए देखिए हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, बर्फ़ी बनाने के सबसे पहले हमने ये सूजी लिया है, ये इस कप से ले रही हूँ मैं, आधा ले रही हूँ। मोटी वाली सूजी लीजिएगा, बारीक दाने वाली ना हो, मोटी सूजी लीजिएगा। और इसे हम ज़रा 5 मिनट इसे भून लेंगे, खाली भूनना है, घी भी कुछ नहीं डालना है इसमें। देखिए मैंने इसे 5 मिनट भून लिया है, बहुत अच्छी तरह से भून। भूनने का मकसद ये है कि सूजी का कच्चापन इसमें से चला जाए। देखिए इसे 5 मिनट भून लिया, इसे हम अब निकाल लेते हैं प्याले में इस सूजी को। अच्छा देखिए मैंने फ्राई पैन साफ़ कर लिया, अब इसी फ्राई पैन में मैं ये घी डाल दूंगी, आधा कप घी है ये। अच्छा देखिए घी ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होने चाहिए, वरना बेसन जल जाएगा। इसमें हम डालेंगे ये बेसन है, हम ये 1.5 कप बेसन डालेंगे, एक और डेढ़ आधा, ये 1.5 कप बेसन है, इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह। लो फ्लेम पे भुनना है इसे, थोड़ा लो, मीडियम टू लो पे, ताकि बेसन जले नहीं। देखें पहले बेसन ऐसा हो जाएगा, फिर इसको हम हल्के हल्के भूनते रहेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, घी इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, अलग होना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ा पतला सा हो जाएगा। इसी तरह इसको करके भूनते रहेंगे हम। देखिए ये बेसन जो है ये इस तरह का होता जा रहा है, हल्का हल्का इसमें से घी अलग हो जाएगी इसमें और बेसन ज़रा पतला सा हो जाएगा। बस इसको थोड़ा हल्के हल्के लाइट हल्की फ्लेम पे इसको इस तरह भूनते रहेंगे। देखें इतना पतला हो गया ये, इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखें इस तरह हमने तकरीबन 5 से 8 मिनट हमने इसे भुना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इसको चलाते रहना है वरना ये जल जाएगा। देखें बिल्कुल इसने घी ने इसको बिल्कुल गीला कर दिया है, इसमें से घी अलग हो रहा है। ये देखें इस तरह का बेसन हो गया है और इसने घी भी छोड़ दिया है, पतला भी ये हो गया है। अब इस समय अलग से निकाल देते हैं किसी पैन में। अच्छा देखें मैं इसी पैन में मैं शक्कर डालूंगी, ये शक्कर है तकरीबन मैंने ये 1.25 कप शक्कर लिया है, ये 1.25 कप पानी है, आधे से थोड़ा सा ऊपर है, पानी डालूंगी, इसका शीरा बनाऊंगी। ये देखें इसका हम शीरा बनाएंगे, गाढ़ा शीरा करेंगे हम, एक तार दो तार वाली बात नहीं होगी, जरा गाढ़ा होना चाहिए। देखें शीरा बन रहा है, अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप गेवड़ा एसेंस। आप केवड़ा डाल लें या फिर आप रोज़ वाटर हो वो डाल लें खुशबू के लिए। वाटर वो, और फिर इसमें हम डालेंगे फूड कलर है ये, थोड़ा सा येलो फूड कलर है, इसे डाल देंगे, इससे मिठाई का कलर अच्छा आएगा इसमें। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून दूध है ये डाल देंगे, ये भी शामिल कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा सा इसमें जायका आ जाएगा। आपके पास क्रीम हो तो क्रीम डाल लीजिएगा शीरे में। अब इसमें हम ये सूजी डाल देंगे, देखिए शीरा बिल्कुल हमने तार वाला नहीं किया है, गाढ़ा कर लिया थोड़ा सा लेकिन तार वाला नहीं किया है। अब इसमें हम डाल लेंगे ये सूजी और ये दाल, जो बेसन जो हमने भुना है बेसन, ये पूरा डाल देंगे। देखिए पूरा बेसन हमने, अच्छा इसे लो फ्लेम पे थोड़ा रखना है पहले शुरू में, इसे हम घोल लेंगे सबको अच्छी तरह, शीरे में सब अच्छी तरह घुल जाएगा। फिर हम थोड़ा सा मीडियम टू लो करेंगे, बहुत तेज़ नहीं करना है। देखिए ये पूरा घुल गया है और मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रखा हुआ है। अब इसे हम ज़रा गाढ़ा कर लेंगे, इसमें सॉलिड हो जाएगा, फिर इसे हम निकालेंगे। देखें
ये गाढ़ा हो रहा है, ये पेन छोड़ रहा है, देखें। अच्छा थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, जलने ना पाए। देखिए ये इस तरह का हो चुका है, इसने बिल्कुल पेन छोड़ दिया है। अब हमने फ्लेम बंद कर दिया है, अब इसे हम कटिंग के लिए बोल उसमें डालेंगे, ट्रे में। ये देखिए मैं सारा ये इसमें डाल दूंगी, देखिए मैंने इसमें डाल लिया है, इसे मैं बिल्कुल सेट करके, ये आधी ट्रे मैंने बनाई है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं ये, तो आपकी क्वांटिटी हर चीज़ की डबल कर दीजिएगा। देखें अच्छे से सेट कर लिया मैंने इसे। देखें इसमें ये ड्राई फ्रूट में डालती हूँ, आपको जैसा भी ड्राई फ्रूट डालना हो आप डाल सकते हैं। देखिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल लिया है। अब मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दूंगी, या फिर आप जल्दी चाहिए तो रेफ्रिजरेटर में रख लें, फ्रिज में रख दें इसे, ताकि ये जम जाए सही से, फिर इसका हम शेप काटेंगे। देखिए ये ठंडा हो गया, इसे हम निकालते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया ये। अब इसके हम कटिंग करते हैं, या तो आप इससे कटिंग कर लें या फिर छुरी से कटिंग कर लें, आप जो शेप देना चाहें दे दें। देखें ये देखिए कितना अच्छा सा बना ये। अब हम सारे इसी तरह काट लेते हैं। अच्छा देखिए मैंने सब इस तरह शेप, ये शेप से काटा है। आप चाहें तो इसे चकोर भी काट सकते हैं, जिस शेप से चाहे काट सकते हैं, और ये जो बचा है इसे भी हम इस्तेमाल कर लेंगे खाने में। इसे भी हम अपने मुताबिक छोटे छोटे शेप देके हम इसे यूज़ कर लेंगे। ये हमारी मिठाई तैयार है। देखें इस तरह के छोटे छोटे शेप देके हम इसे भी इस्तेमाल कर लेंगे। ये भी हो गया, देखें कितनी अच्छी सी ये मिठाई तैयार हुई है। ये देखें आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।